शासन के निर्देश पर जिलाधिकारी माला श्रीवास्तव ने धरती को हरा भरा रखने का संकल्प लेकर रायबली जनपद में दो चरणों में पौधे रोपण करने की शुरुआत कर दी है। हम आपको बताएं कि आज वृक्षारोपण के पहले दिन शासन से नामित नोडल अधिकारी मनीषा त्रिघाटिया वृक्षारोपण अभियान का हिस्सा बनी। तस्वीरें हम आपको रायबरेली की दिखा रहे हैं, जहां पर वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। हम आपको बताएं कि जिसमें पीपल, बरगद, जामुन, नीम सहित ज्यादा ऑक्सीजन देने वाले वृक्ष ज्यादा हैं। आज वृक्षारोपण अभियान के पहले दिन जिले में 49 लाख से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया था। वही पौधारोपण अभियान का दूसरा चरण 15 अगस्त को मनाया जाएगा। S7 के लिए नीरज श्रीवास्तव के साथ अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट। जो इस वर्ष के लिए जो हम लोगों को टारगेट इस जिले में मिला है वो लगभग 58 लाख पौधे लगाने का टारगेट है, जिसमें से आज हम लोगों ने 49 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य है। और इसमें से अभी तक हम लोग ने जो रिपोर्ट लिया था लगभग 25 लाख पौधे लग चुके हैं। और इसके लिए बहुत बृहद स्तर पर तैयारी रही है विगत दिनों में, क्योंकि बरसात भी अच्छी हुई है गड्ढों का खुदान करके, और क्योंकि बरसात समय से हो गई तो उनकी जो गर्मी मिट्टी की है वो भी कम हो चुकी, और उनमें खाद भी जहाँ जहाँ ऊसर स्थल थे वहाँ डलवाया गया। और इस बार प्रजाति जो स्पीशीज़ है पौधे की उसके सिलेक्शन पे भी बहुत ध्यान दिया गया है। लोकेशन के अनुसार प्रजाति का चयन किया गया DFO साहब से तकनीकी इनपुट को लेते हुए। तो मैं समझती हूँ इस बार हम लोग ने बहुत अच्छा प्रयास किया है, और आज सुबह से ही शहर के सब लोगों ने मिलकर इतना उत्साह सब लोगों में है रायबरेली के वासियों में कि उनको देखकर हम लोगों को भी और भी ज़्यादा उत्साह और ऊर्जा मिलती है। और सबके साथ मिलकर यहाँ शहर में पेड़ों की बारात निकली है धूमधाम के साथ, बैंड बाजे के साथ, और वहाँ रोपण हुआ है। कई स्थलों पे लगातार रोपण हो रहा है। हमारे यहाँ शासन से नामित नोडल अधिकारी भी हमारे साथ रही हैं और सब स्थलों पर जा जाकर उन्होंने नर्सरी और पौधारोपण साइट सब जगह विजिट भी किया है। तो अच्छा प्रयास है, और आज सभी लोगों के साथ मिलकर इस काम को करने में उसका आनंद बहुत ही अच्छा है। अभी इस विद्यालय में वृक्षारोपण किया है, इस विद्यालय के लिए कुछ आपने जो है दिया है, क्या है वो? आज ये कंपोजिट विद्यालय बेलीगंज में हम लोग इस समय खड़े हैं, और यहाँ पर हम लोग ने पौधारोपण सबके साथ मिलकर किया है, और हमारे मीडिया के सब साथी और यहाँ पे स्कूल की पूरी टीम और शहर के लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं। और ये जगह बहुत पुरानी ऐतिहासिक हम लोग को बताई गई, और यहाँ आकर वाकई बहुत अच्छा लगा। और इसको किस तरह से हम लोग प्रिजर्व कर सकते हैं इस पर भी मांग है लोगों के, यहाँ के शहरवासियों को, तो ज़रूर विचार होना चाहिए।